डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सूर्यावर्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड में हिंदी व्याकरण समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते होते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते होते हैं वो क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द एक दूसरे की जगह भी लिखे जा सकते हैं, जैसे सूरज सूर्य फूल पुष्प। ये हैं तो एक ही, सूरज और सूर्य एक ही तो हैं, पर इनके नाम अलग अलग हैं। तो हम सूर्य को यहाँ लिख सकते हैं और सूरज को यहाँ लिख सकते हैं। फूल पुष्प आसमान आकाश, वृक्ष पेड़, पक्षी खग, बच्चा बालक। अब देखो, माँ को हम बोलते हैं माता जननी, अध्यापक को बोलते हैं शिक्षक गुरु, और राजा को बोलते हैं नरेश नराप, गणपति को बोलते हैं गणेश जी को बोलते हैं गणपति गजानन, फौज को बोलते हैं सेना दाल, और बादल को बोलते हैं मेघ और जलत। समझ में आया? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।